दोस्तों, क्या एल्विश यादव के पापा ने झूठ कहा था? क्या एल्विश यादव के पापा ने जो भी बातें मीडिया चैनल पर आकर कही हैं, लाइव पर जो भी बातें जनता से की हैं, जो बातें ऑडियंस के सामने उन्होंने बताई हैं, क्या वो सारी बातें झूठ थी? क्या वो सारी बातें बनावटी थी? या फिर जब उन्होंने ये बात कही कि एल्विश जो है वो गाड़ियां लोन पर लेकर आता था, हायरिंग पर लेकर आता था, तो क्या ये बातें झूठ थी? इन बातों में कितनी सच्चाई है? ये इस समय ये बातें जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है, बहुत सारी सुर्खियों में है ये सारी बातें। और आखिर कौन है एल्विश का एक ऐसा दोस्त जिन्होंने इन सभी बातों का बहुत खुले से रिप्लाई किया है? आइए आपको देते हैं इस बारे में पूरी खबर। सबसे पहले तो नमस्कार आप सभी का, आप देख रहे हैं फीफा फूज, मेरा नाम गणेश कांदू है और स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज एल्विश यादव की शायद बेल ईयरिंग है, देखते हैं क्या होता है। ऑलरेडी मुझे लग रहा है शुरू हो गई होगी बेल ईयरिंग तो, बट फिलहाल मैं अगर आपको बताऊं तो एल्विश के शायद दोस्त कह लीजिए या एल्विश को मानने वाले कह लीजिए, राजवीर सिसोदिया की मैं बात कर रहा हूं, जिनका भी हाल फिलहाल रजत दलाल के साथ जो भी मुद्दा था हमने देखा। तो राजवीर लाइव आते हैं टीवी चैनल पर और मीडिया में कहते हैं कि देखिए, कभी कभार कैसा होता है कि जो बड़ी गाड़ियों का हम भी शौक रखते हैं, गाड़ियाँ कोई भी लोन पर आपको इंडिया में देता ही नहीं, रेंट वाली, रेंट लोन नहीं, रेंट, इंडिया में कोई रेंट वाला है ही नहीं सीन। आप जिनसे गाड़ी खरीदते हो, गौरव मलिक जिनका नाम है, उनसे हम भी गाड़ियाँ खरीदते हैं, तो मैंने भी उनसे दो गाड़ियाँ खरीदी। लेकिन जब गाड़ी आप महंगी गाड़ी हो, आप घर पे ले गया हो, तो खास करके एक मिडिल क्लास फैमिली का जो माइंड होता है कि यार कहीं इन्वेस्ट कर दो, कहीं प्लॉट ले लो, कहीं पैसा लगा दो कि इसका डबल हो जाए, बट जो शौक है वो शौक है। तो जब मैं भी गाड़ियाँ खरीद के घर ले जाता हूँ, तो जब मेरे घर पे मेरे को बोलते हैं कि क्या ज़रूरत है इतनी महंगी गाड़ी लेने की, दोबारा गाड़ी ले लिया, हर छः छः महीने पे गाड़ियाँ बदली कर रहा है, तो मैं उनको कहता हूँ कि मैं रेंट पे लेके आया हूँ, मतलब तीन चार चार पाँच महीने के लिए रेंट पे है, उसके बाद उसको बेच देना, ये दोबारा दे दूँगा। तो दोस्तों, राजवीर कहते हैं कि हो सकता है कि एल्विश ने भी अपने मम्मी पापा को यही कहा हो कि गाड़ियाँ वो रेंट पर लेकर आता था। और रही बात प्लॉट और घर की, तो हो सकता है कि वो मतलब बहुत ज़्यादा ट्रॉमाटाइज थे और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थे, बहुत ज़्यादा मेंटली वो इस चीज़ के लिए तैयार नहीं थे, और ऐसे टाइम पे उनको वैसा सवाल पूछा जा रहा है, इसीलिए उन्होंने वैसा उनका जवाब दिया। तो दोस्तों, ये राजवीर का कहना था, लेकिन फिलहाल इस पर आप लोगों की क्या राय है, आप लोगों के क्या ओपिनियंस हैं, ज़रूर बताएगा हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, धन्यवाद।